What's up guys, welcome back to the channel. So, जैसे कि आप जानते हो, मैं इस समय कराबी में हूँ और कोई भी हिंदुस्तानी जब भी किसी फॉरेन कंट्री जाता है उसको दो चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं। पहली इंडियन फूड, जिसका वो मुरीद होता है उसको इंडियन फूड खाना ही खाना है। दूसरी मैं बताऊँगा नहीं। आप लोग के लिए एक रेस्टोरेंट शॉर्टलिस्ट किया है, वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगा। ताज पैलेस या ताज महल पैलेस उसका नाम है। बहुत ही अच्छा वो इंडियन फूड देते हैं। मैंने 3-4 रेस्टोरेंट में खा के देखा, लेकिन वहीं का मुझे सबसे अच्छा लगा, तो वहीं का मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो चलते हैं, बस 5 मिनट की वॉक है यहाँ से। वैसे ये चीज़ मैं हमेशा आपको वीडियो के आखिरी में बोलता हूँ, लेकिन आज पहले बोल दे रहा हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। चैनल को सपोर्ट उसी चीज़ से मिलता है, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तभी चैनल ग्रो करेगा, बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं है। कराबी में तीसरा दिन, ये एक रेस्टोरेंट मैंने शॉर्टलिस्ट किया है जो कि यहाँ का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप यहाँ ज़रूर आना। खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अगर मैं आपको लैंडमार्क बताऊँ इसका, कि इसको ढूंढना कैसे है आपको, जस्ट सामने स्टारबक्स है, स्टारबक्स के जस्ट सामने आपको ये मिलेगा। मैकडोनल्ड्स भी यहीं पे है, सारे मेन रेस्टोरेंट यहीं पे हैं जो सबसे हॉट प्लेस है कराबी की। तो ये समय मैं आवनांग बीच के पास हूँ, जस्ट 10 कदम पे बीच है। या YouTube, या इंडिया, फ्रॉम इंडिया यार। इन्होंने जो चीज़ स्टिक दी है वो कॉफ़ी वाले में दी है। ये निकल चुके हैं फुकेट के लिए। ये अपनी ये जो बस है ये मुझे लेके जाएगी फेरी तक, और फेरी से मैं जाऊंगा फुकेट। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपने पियर पे, और यहां से फेरी लेके जाएगी फुकेट के लिए। अब करीबन अभी आधा घंटा है निकलने में यहाँ से। करीबन 300 लोग होने वाले हैं फेरी में। फुल एयर कंडीशन फेरी होती है यहाँ की, और बहुत ही ज़्यादा सीनिक व्यूज़ होते हैं। तभी मैंने रोड ट्रिप को छोड़ के फेरी चूज़ करी, ताकि मैं आप लोग को भी दिखा पाऊँ। फेरी फास्ट भी होती है, सो आप एनी टाइम फेरी प्रेफर करिएगा, क्योंकि 2 घंटे में पहुँचा देगी फेरी, और रोड ट्रिप यहाँ से 4 घंटे की है। सो Let's go. तो गाइस ये अपनी फेरी है, अब पता नहीं फेरी है या बोट है, इससे जाने वाले हैं हम लोग फुकेट। ये नीचे एसी कैबिन है, इसमें बैठेंगे। तो व्यूज आप देखो, बहुत बढ़िया व्यूज है यहाँ से। आधा घंटा हो चुका है और हम लोग ने फुकेट छोड़ दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग हैं मेरे पीछे, और अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जा रहे हैं फुकेट के लिए। जो सी की जर्नी होती है बहुत ही अच्छी होती है। आप जो रोड के ट्रैफिक जैम्स वगैरह होते हैं उन सबसे एकदम फ्री होते हो, और बहुत ही पीसफुल एंड क्वाइट जर्नी होती है। तो आप कभी भी अगर कराबी आओ, तो अगर फुकेट जाना तो बाय सी ही जाना। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी जर्नी में। ये कोई बोट ख़राब हो गई है तो उसके पैसेंजर्स ये लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कम ऑन माई व्लॉग, व्हाट्स योर नेम? मेलेडी। मेलेडी फ्रॉम नेदरलैंड्स, शी इज़ फ्रॉम द नेदरलैंड्स एंड शी इज़ गोइंग बैक टू फुकेट। या सो डिड यू लाइक कराबी और नॉट? इफ आई न्यू दिस वाज हियर, सो आर यू गोइंग टू बी इन द फुल मून पार्टी टुनाइट? No? You? What? Yeah, of course. Yeah? Yeah.
He's Patrick from? Ireland. Ireland. But he lives in UK. So we are... अभी से अगर फुकेट आपको जाना है तो आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप फेरी चूज करो, या आप वैन से जाओ, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी करो। आप एक फेरी ले सकते हैं जिसमें मैं हूँ इस समय, ये 1400 रुपये की पड़ती है, लेकिन ये 1.5 घंटे में पहुँचा देती है। वैन होती है उसको 5 घंटे लगते हैं क्योंकि वो बाय रोड जाती है। और क्राबी से फुकेट यू शेप है, ठीक है, जैसे यू शेप में अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फेरी से चलते हो तो डायरेक्ट आपको पहुँचा देगी, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। स्वागत हो चुका है अपना फुकेट में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा कम है। ये अपनी शटल बस है जो अपने हॉस्टल तक लेके जाएगी। पहुँच गया हूँ मैं फुकेट में और ये स्ट्रीट है जिस पर मेरा हॉस्टल है। इधर अंदर जाके मेरा हॉस्टल है, बस 1 मिनट की भी वॉक नहीं है। जस्ट पीछे इस स्ट्रीट के बीच है फुकेट का पटांग बीच, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलते अभी फ़िलहाल अपने हॉस्टल में चेकिंग करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी तक अगर आपने मेरी सुबह से क्राबी से फुकेट तक की जर्नी अगर एंजॉय करी हो और ये वाला वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट दीजिए, इससे मिलता है। बार बार यही बात बोलता हूँ मैं आपसे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब मैं फुकेट अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ और जाना है आज नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने, तो चलिए चलते हैं और आपको वो दिखाऊँगा मैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही।